नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वेल्डर लेवल वन का, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि वेल्डर आईटीआई या सीटीआई में पूछेगा क्वेश्चन है, वो मैं लेके आया हूँ नवीन पैटर्न से। वीडियो में अंत तक बने रहें, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, इनमें से क्या विद्युत आर्क, ठीक है, इनमें से क्या विद्युत आर्क वेल्डिंग में खतरे का स्रोत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन में देखते हैं, ए ऑप्शन में है पराबैंगनी किरण, बी ऑप्शन में है अल्ट्रासोनिक तरंगे, सी ऑप्शन में है इंफ्रारेड किरणे, डी ऑप्शन में है उड़ने वाली चिंगारी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, ठीक है, अल्ट्रासोनिक तरंगे, क्या अल्ट्रासोनिक तरंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वेल्डिंग प्रतीक का अर्थ एक खाली स्थान दिया हुआ है, मतलब नीचे दिए गए वेल्डिंग प्रतीक अर्थ है खाली स्थान। अच्छा, प्रतीक ये दिया गया है, ये किस चीज का प्रतीक है वो हम ऑप्शन में देखते हैं। ए ऑप्शन में है फील्ड वेल्ड, बी ऑप्शन में है गोल वेल्ड, सी ऑप्शन में है सभी तरफ वेल्ड, डी ऑप्शन में है इस क्षेत्र को छोड़ दें, ठीक है। तो ये कि एक प्रकार से देखा जाए तो ये एक प्रकार का मेटल हो गया और ये वेल्डिंग, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारा ड्राइंग दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है, उसमें क्या हो जाएगा, गोल वेल्ड, मतलब चारों तरफ का वेल्ड, पूरा वेल्ड, ठीक है। इसका भी राइट आंसर जो होगा गोल वेल्ड, या कह दो सभी तरफ वेल्ड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, क्या हो जाएगा सी, सभी तरफ वेल्ड, नीचे दिए गए वेल्डिंग प्रतीक का अर्थ है सभी तरफ वेल्ड है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में किस प्रकार का नाली दर्शाई गई है। देखिए, एक प्रकार से देखिए वेल्ड मेटल है, ठीक है, इसमें जो नाली है, यह जो भाग दिया गया है वो बताइए। देखिए, ए ऑप्शन में है वेवल नाली, बी ऑप्शन में वी नाली, सी ऑप्शन में है नोकदार कट, डी ऑप्शन में है आधा वी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, वेवल नाली, ठीक है, वेवल नाली राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए, ये वेवल नाली है, इस प्रकार से वेवल नाली इस प्रकार से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, विद्युत आर्क को काटने के दो तरीके खाली स्थान है, विद्युत आर्क को काटने के दो तरीके हैं, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन में है स्क्रैच और स्प्रिप, बी ऑप्शन में है स्क्रैच और टैग, सी ऑप्शन में है स्ट्राइक तथा स्क्रैप, डी ऑप्शन में है स्क्रैप तथा स्प्रिप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चौथे का बी, ठीक है। विद्युत आर्क को काटने के दो तरीके कौन कौन से हैं, स्क्रैच और टैप, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सा, किसमें जो ऑप्शन दिया गया है, इनमें से पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा एक वेल्ड जोड़ का प्रकार नहीं है। देखिए, जो ये ऑप्शन दिया गया हुआ है चारों, इसी में से पूछ रहा है इनमें से कौन सा एक वेल्ड जोड़ का प्रकार नहीं है। देखते हैं भाई, ए ऑप्शन में है कोना, बी ऑप्शन में है टी, सी ऑप्शन में है बी, डी ऑप्शन में है लैप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, बीप, ये जोड़ का प्रकार नहीं है, ठीक है, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, नीचे दिए गए चित्र में वेल्ड जोड़ में क्या त्रुटि है, मतलब क्या डिफेक्ट है, ठीक है, जॉइंट में डिफेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन चलते हैं, ए ऑप्शन में है गड्ढा, बी ऑप्शन में है दरार, सी ऑप्शन में है कम कटा हुआ, डी ऑप्शन में है विलय की कमी। देखिए, ड्राइंग में पहले देख लीजिए किस प्रकार से दिखाया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, सी, कम कटा हुआ, ठीक है, सो इंग्लिश में बोलते हैं अंडर कट, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, नीचे दी गई ड्राइंग में दिखाया गया है, नीचे दिया गया चित्र वेल्डिंग के दौरान इलेक्ट्रोड में चालन के तीन विभिन्न मार्ग दर्शाया गया है, इस चालन को क्या कहा जाता है। चलते हैं भाई ऑप्शन में, ए ऑप्शन में है, देखिए ड्राइंग में तीन चलन दिखाया गया है, ठीक है, ए ऑप्शन में है वीप,
बी ऑप्शन में है टेढ़ा मेढ़ा, सी ऑप्शन में है टेढ़े, डी ऑप्शन में है फैले हुए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, ए वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन क्या रहा है, एसेटिलीन खाली स्थान दे दिया है, एसेटिलीन से अधिक दबाव पर स्थिर हो जाता है, क्या चीज़ भाई, एसेटिलीन खाली स्थान से अधिक दबाव स्थिर हो जाता है। चलते हैं, थ्री, ए ऑप्शन में है 3 PSI, बी ऑप्शन में है 5 PSI, डी सी ऑप्शन में है 10 PSI, डी में है 15 PSI। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एसेटिलीन में डी। ठीक है, का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, यहाँ पे हो जाएगा 15 PSI। ठीक, कितना हो जाएगा 15 PSI, एसेटिलीन में 15 PSI से अधिक दबाव पर स्थिर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, बाई ओर से वेल्डिंग गैस वेल्डिंग तकनीक खाली स्थान दे दिया है, तक की मोटी मोटाई वाली नर्म स्टील प्लेटों के लिए प्रयोग की जाती है। देखिए दोस्तों, बाई ओर टेक्निक इसमें यूज हो रही है तो वो बताया जा रहा है। तो ए ऑप्शन में है 1.5 mm, बी ऑप्शन में है 3.0 mm, सी ऑप्शन में 5.0 mm, डी में है 10.0 mm। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5.0 mm, तक की मोटाई वाली नर्म स्टील प्लेटों के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, 5 mm तक, यहाँ पे हो जाएगा 5 mm। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वेल्डिंग प्रक्रिया में वेल्ड किए गए जोड़ की दूसरी ओर से वेल्ड, ठीक है, वेल्ड, ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन में है बिस्लेगिंग, बी ऑप्शन में है वेलिंग, सी ऑप्शन में है बैक गर्तन, डी ऑप्शन में है जोड़ तैयारी। तो इसका दसवां का जो है कि राइट आंसर हो जाएगा सी, बैक टर्कन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर क्वेश्चन, गैस कटिंग में खाली स्थान अधिक होने से खुदरेदार के साथ असंपूर्ण कट देना, मतलब कट देना। ठीक है, ए ऑप्शन में है गैस दबाव, बी ऑप्शन में है निकासी, सी ऑप्शन में है पहले से गर्म करना, डी ऑप्शन में है गति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गति। अगर गति बराबर तरीके से नहीं होगा, यदि गति अधिक होने से खुदरेदार के साथ अनुपूर्ण कट देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, कार्यस्थल से वेल्ड बीड के ऊपर तक की दूरी को खाली स्थान है कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, ऑप्शन चलते हैं, प्रवेश, बी ऑप्शन में है शुद्धिकरण, सी ऑप्शन में है बीड चौड़ी, डी ऑप्शन में है HAZ। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, 12 का बी, शुद्धिकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, शुद्धिकरण। ठीक है, शुद्धिकरण, कार्यस्थल से बीड के ऊपर तरफ दूरी को क्या कहते हैं, शुद्धिकरण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, PQR का अर्थ खाली स्थान है क्या है भाई, PQR, ए ऑप्शन में है प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रजिस्टर, ठीक है, ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में है प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड, सी ऑप्शन में है पेंटेड क्वालिफिकेशन रजिस्टर, डी ऑप्शन में है पेंटेड क्वालिफिकेशन रिपोर्ट्स। ठीक है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का हमारा बी, क्या हो जाएगा, प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड है, PQR का अर्थ है प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, जब वेल्डिंग मशीन का पावर स्विच ऑन स्थिति में होता है तब उचित वोल्टेज परंतु कोई वेल्डिंग नहीं हो रही है, तो मतलब कोई वेल्डिंग नहीं हो रही हो, खाली स्थान दे दिया गया है। अच्छा, ए ऑप्शन में खुला सर्किट वोल्टेज, बी ऑप्शन में है प्रचालित वोल्टेज, सी ऑप्शन में है आर्क वोल्टेज, डी ऑप्शन में है उच्च आवृत्ति वोल्टेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, 15 का ए, खुला सर्किट वोल्टेज, क्या हो जाएगा, खुला सर्किट वोल्टेज, राइट आंसर हो जाएगा ए। अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है,
अगला क्वेश्चन है, संशोधक अपनी खाली स्थान दिया गया है, संशोधक अपनी खाली स्थान दिया हुआ क्षमता के लिए जाने जाते हैं, क्षमता के लिए जाने जाते हैं, जैसे ए ऑप्शन में है वेल्डिंग पावर नियंत्रण, बी ऑप्शन में है छींटों को कम करना, सी ऑप्शन में है एसी को डीसी करंट में परिवर्तित करना, डी ऑप्शन में आर्क ब्लो को कम करना। तो जो कि 16 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू सी। ठीक है, संशोधक अपनी एसी को डीसी में करंट में परिवर्तित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी को खाली स्थान दे दिया है, किसी को खाली स्थान दिया है के विरुद्ध कभी भी सीधे काटना अथवा वेल्ड नहीं करना चाहिए। ऑप्शन चलते हैं, क्रिकेट, ठीक है क्रिकेट, बी ऑप्शन में कास्ट आयरन, सी ऑप्शन में कार्य करने का स्थल, डी ऑप्शन में है ज्वलनशील सतह, ज्वलनशील सतह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, कंक्रीट। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंक्रीट। क्वेश्चन क्या रहा है, किसी को कंक्रीट के विरुद्ध कभी भी सीधे काटना अथवा वेल्ड नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या रहा है, वेल्डिंग तथा शीतलन, अगला क्वेश्चन है वेल्डिंग तथा शीतलन के दौरान कार्बन स्टील में बट वेल्ड जोड़ सीमित किया गया है, वह खाली स्थान होता है, होगा। ठीक है, ए ऑप्शन में जिससे सीमित नहीं किया गया उसे शक्तिशाली, ठीक है, बी ऑप्शन में कभी दरार नहीं पड़ेगी, सी ऑप्शन में उच्च अविष्ट तनाव है, डी ऑप्शन में है विश्वसनीय जोड़ तैयार करेगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का हमारा सी, 18 का सी, उच्च अवशिष्ट तनाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से किसका प्रयोग रेगुलेटर सिलेंडरों तथा गैस कनेक्शन के साथ कभी नहीं करना चाहिए। आंसर में क्या है, चलते हैं ऑब्जेक्टिव में, ए ऑप्शन में है टेफ्लॉन टेप, बी ऑप्शन में तेल, सी ऑप्शन में पाना, डी ऑप्शन में रिसाव सूचक। ठीक है, रिसाव सूचक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है तेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से किस धातु मिश्र धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है, देखिए इनका गलनांक पूछ रहा है, ठीक है अधिक होता है, ए ऑप्शन में तांबा, बी ऑप्शन में एल्युमिनियम, सी ऑप्शन में पीतल, डी ऑप्शन में कांसा। जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बी इसका ए, तांबा। देखिए तांबा का सबसे अधिक गलनांक होता है, ठीक है इन ऑप्शनों में से सबसे अधिक किसका होगा, तांबा का। अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, वेल्डिंग स्थित दो पैरामीटर्स के परिभाषित की जाती है जो कि खाली स्थान दिया हुआ है, ए ऑप्शन में वेल्ड ढालन तथा वेल्ड कोण, वेल्ड ढालन तथा वेल्ड घुमाव, सी ऑप्शन में वेल्ड कोण तथा वेल्ड घुमाव, डी ऑप्शन में वेल्ड ढालना तथा वेल्ड कट। जो किसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, ठीक है राइट आंसर हो जाएगा बी, वेल्ड ढालन तथा वेल्ड घुमाव। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नीचे दिए गए चित्र में सिलेंडर की क्या प्रणाली दिखाई दे रही है। देखिए ये क्वेश्चन में दिया गया है, ये इमेज दी गई है, ये प्रणाली किस प्रकार की दिखाई दे रही है। तो चलते हैं आंसर की ओर, ए ऑप्शन में दी गई है श्रृंखला प्रणाली, बी ऑप्शन में है समांतर प्रणाली, सी ऑप्शन में है संयोजन प्रणाली, डी ऑप्शन में है विविध प्रणाली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू डी। ठीक है, ये जो प्रक्रिया दिखाई दे रही है ये होगा विविध प्रणाली। ठीक है, राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये भी गैस वेल्डिंग का है, नीचे दर्शाए अनुसार उचित से नीचे सही क्रम में ऑक्सीएसिटिलीन लौह को नाम दें। देखिए नाम पूछ रहा है किसका, ऑक्सीएसिटिलीन लौह पूछ रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन सही से पढ़ोगे तो आंसर मिल जाएगा, कार्बोराइजिंग न्यूट्रल ऑक्सीकरण
ठीक है, और बी ऑप्शन में है ऑक्सीजन न्यूट्रल कार्बोराइजिंग, सी ऑप्शन में है न्यूट्रल ऑक्सीजन कार्बोराइजिंग, डी ऑप्शन में न्यूट्रल कार्बोराइजिंग ऑक्सीजन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, सी न्यूट्रल ऑक्सीजन कार्बोराइजिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से क्या ऑक्सीएसिटिलीन ब्लो पाइप में बैक फायर का कारण नहीं है? देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। इनमें से क्या ऑक्सीएसिटिलीन ब्लो पाइप के बैक फायर का कारण नहीं है? ए ऑप्शन में है नोक अत्यधिक गर्म हो, बी ऑप्शन में नोक का छिद्र बंद हो, सी ऑप्शन में है गैस दबाव सेटिंग उच्च है, डी ऑप्शन में है नोक के समीप रिसाव। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, गैस दबाव सेटिंग उच्च है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए चित्र के में किस प्रकार का जोर दर्शाया गया है? देखिए ये जो जॉइंट दिखाया जा रहा है, एक किस प्रकार का जॉइंट दिखाया गया है वो पूछ रहा है। ए ऑप्शन में बट जोड़, बी ऑप्शन में कोना जोड़, डी सी ऑप्शन में है धार जोड़, डी ऑप्शन में है टी जोड़। तो ये जोड़ की बात आ रही है, तो ये कौन सा है, धार जोड़, जिसको हम लोग बोलते हैं इसमें एयर ज्वाइंट। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर सी, ये है एयर ज्वाइंट है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।